हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन। मैं आपका मेंटर विजय भान आज आपको क्वांटिटी ज्योमेट्री का फोर्थ लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने कंसेप्ट क्लियर किया था और एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड उसको आज कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनको माइंड में रखिए और जो भी क्वेश्चन कराऊँगा उनको ध्यान से देखिएगा आप। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला हमने किया था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, सेंट्रोइड पढ़ा था एंड एरिया ट्रायंगल निकालना सीखा था और कुछ स्पेशल केस लाइक जैसे कोलिनियर केस हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े थे हमने। तो आज उन्हीं की बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं उनको कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी फ्रेंड्स या उनके भाई बहन हो अगर वो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग एक्ट पे जाके वहाँ पे कुमार केतन का पेज फॉलो करें और वहाँ से आईआईटी जेई के जो फिजिक्स के मटेरियल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करें और वीडियो एंड अपना डाउट क्लियर करें और कंसेप्ट बिल्डअप करें आप। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। तो आपको बताना चाहूँ, चलो जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला मैं एक एक केस पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराया हूँ आपको जो स्पेशल केस हैं। अगर एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको डाउट बन रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशंस को जरूर भेजूंगा आपको। एक्चुअली मैं इस समय एग्जाम का सीजन आ गया है, समय आ गया है, तो इस केस में हम लोग पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से सारा क्वेश्चन को देखिए और करिए, अगर उसके बाद भी करना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, पर मैं इतना कोशिश करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -4, -6 एंड 10, 12। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको बताया था y एक्सिस पे क्या होता है, x जीरो होता है, हम वहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। सॉल्यूशन क्या है, वी नो दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज जीरो, मीन्स अगर ये y कोऑर्डिनेट है इस पे कोई भी x कोऑर्डिनेट है, इसका x इस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो क्या होगा, 0, y होता है। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि द पॉइंट पी 0, y डिवाइड द पॉइंट्स -4, -6 एंड -10, 11 इन द रेशियो ऑफ k:1। आपको पता है k:1 लेने पे हमें थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन करना, कैलकुलेशन दो चार स्टेप कम हो जाते हैं। तो हमने एक सैंपल के लिए एक लाइन ड्रा किया, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी है 0, y पे उसको डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में, और ए क्या है पॉइंट -4, -6 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 10, -12। देन तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा आपका, आपको बताया हूँ कि इसी मान लो m ये n है तो क्या होता था, m into x2 and 10k एंड n into x1 यानी 1 into -4 अपान k+1 m+n। अगेन सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, तो m into y2 यानी 12 into k एंड n into y1 यानी -6 अपान k+1। सॉरी यहाँ k+1 होगा, गलती से हो गया है। तो अब क्या करते हैं, चूँकि आपको पता है एस कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 0 है पॉइंट पी के, तो हम इसको यहाँ कंपेयर कर दिए सीधे, एस कोऑर्डिनेट इज टू 0, तो हम 10k-4 upon k+1 = 0 किया, इसको सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू क्या मिलता है, 2/5। ओके गाइस, तो हम द रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या है, 2/5 2/5:1 या 2:5। एक्चुअली इसको अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5 कट जाएगा, 2:5 मिलेगा। सेकेंड पार्ट इसका है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, अब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 12k-6 × 12 × 2/5 - 6 अपान k+1 × 2/5 + 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या है, -6/7। आप कर सकते हैं इसको, 12 × 2 = 24, 5 × 6 = -30, -30 + 24 - 6 यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने, 5 × 5 = 5, 5 + 2 = 7 और डिवाइड डिनोमिनेटर दोनों में 5 आता है कट जाता है, तो यहाँ पे हमें पी के कोऑर्डिनेट मिल गया, जो रिक्वायरमेंट हमारा रिक्वायरमेंट पी के पॉइंट है यही है आपका। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, आपको वीडियो पॉज करके दो बार क्वेश्चन पढ़िए,
क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो क्वेश्चन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि क्वेश्चन समझिए कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। सो मैं क्वेश्चन इसलिए धीरे धीरे पढ़ता हूँ। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 0, -1, बी -2, -3, सी 6, 7 एंड डी 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये बताना है ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, ये प्रूव करना है। तो मान लो ए भी ये है, बी वर्टिसेस, सी एंड डी। तो क्या आपको बताया था मैंने स्पेशल कुछ पॉइंट लिखवाया था कि रेक्टेंगल केस में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल, ओके गाइज, एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी प्रूव करना है एंड ए सी इक्वल टू बी डी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, गिवन जो पॉइंट है वर्टिसेस है किसके होंगे, रेक्टेंगल के होंगे। तो हम धीरे धीरे करके एक एक डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी पर फाइंड करते हैं। तो ए बी आपको क्या आया, ए बी यानी ए और बी के बीच में -2, -0, 3, -1, इसको सॉल्व किया -2² + 4² तो इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट ट्वेंटी क्या होता है, 4 × 5, 4 का square root 2 है, 2√5 है। अगेन बी सी फाइंड करते हैं, बी सी बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो है 4√5। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप डिस्टेंस फार्मूला दोबारा अगर बताना चाहते बता दूँ, क्या होता है आपका x2 - x1² + y2 - y1² आप चाहे x1 - x2 करिए चाहे x2 - x1 करिए, सेम है, ओके गाइस। तो सिमिलरली सी डी हमारा मिला कितना, 2√5 और डी ए कितना मिला, 4√5। डिस्टेंस का कैलकुलेट करना आपका काम है, ओके। डायगोनल्स कितना होगा, ए सी डायगोनल्स दो हैं, ए सी और बी डी। ए सी कितना है आपका, ए सी आया 10 एंड बी डी कितना है 10। डायगोनल्स इक्वल हो गए। आपको बताना चाहूँ तो ए बी इक्वल टू सी डी, देखो 2√5, ए बी आपका 2√5 और सी डी भी 2√5, दोनों इक्वल हैं। बी सी कितना है, 4√5। तो यहाँ पे देखा ए डी भी क्या है आपका 4√5 है। तो क्या होगा, तो ए डी इक्वल टू बी डी हो गया एंड डायगोनल दोनों इक्वल है। तो हम ऊपर के जो पॉइंट है उनको देख के बता सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल डी है, तो डायगोनल्स भी इक्वल है। तो हेंस ए बी सी डी क्या होगा, रेक्टेंगल। आप सेम स्टेटमेंट यूज करिए बोर्ड में, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको बताना चाहूँ हर क्वेश्चन के मैंने आपके यहाँ पे आगे कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन लिखा भी हूँ, ये 4 मार्क्स का 2012 में आया हुआ था। तो गाइज अगर आएगा भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं सेम आए लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, आप कैसे करना ये सीखिए, आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए, क्वेश्चन में सोल्यूशन देखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। अगेन बच्चों कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर दो ही था, दो केस बताया था मैंने आपको। कोलिनियर या तो एक होता है कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाए, एक होता था कि एरिया ट्रायंगल जीरो होना चाहिए। अब मैं साइड का केस इसमें यूज नहीं कर सकता, यूज कर सकते हैं, आपको पता नहीं है किसके किसके बीच साइड बड़ा है, इसके इसके बीच में तीन साइड मिलेंगे हमको ना, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में और इसके इसके बीच में। अब आपको नहीं पता है कौन सा बड़ा साइड है क्योंकि यहाँ एक्स वेरिएबल है, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी जीरो। तो स्टेटमेंट मान लीजिए, मान लिया पॉइंट पी x -1, q 2, 1 आर क्या है 4, 5, द पॉइंट पी क्यू आर विल बी कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा यहाँ पी क्यू आर सही से नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पी क्यू आर साफ साफ लिख दिया हूँ, इक्वल टू जीरो, ओके गाइस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि हाफ x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2)। तो हमने वैल्यू इसमें पुट किया, तो वैल्यू पुट के जीरो इक्वेट किया, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, 5 - 1 - 4, यहाँ पे -5 + तो +5, 5 + 1 = 6, 6 × 2 12 आया। यहाँ पे -1 - 1 कितना, -2 - 24 - 8 आया, इसको सॉल्व किया तो एक्स वैल्यू क्या 1 आया, ओके गाइज। तो ये कितने मार्क्स क्वेश्चन थे, ये भी 4 मार्क्स क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, लग रहा था बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। कभी कभी इजी क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड का पेपर में, और कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा लेंदी हो जाता है बस। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड
फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच पॉइंट्स पी प्लस वन टू पी माइनस टू एंड पी माइनस वन कॉमा पी एंड पी माइनस थ्री कॉमा टू पी माइनस सिक्स आर कोलिनियर। मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिया हूँ कोलिनियर बेस पे, तो आपको अगेन बताना चाहूँ कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल शुड बी जीरो। सेम स्टेटमेंट, द लेट द पॉइंट ए बी सी, ये है द पॉइंट ए बी सी विल बी कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या हो, जीरो होगा। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम यहाँ पे फार्मूला, मैं फार्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट पॉइंट की वैल्यू पुट किया हूँ, तो आप पॉइंट वैल्यू पुट करिएगा। जैसे किया हूँ तो x इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, आप वैल्यू पुट करेंगे तो यही मिलेगा। फिर लास्ट में सॉल्व करते, और एरिया ऑफ ट्रेंगल में जीरो लिख दिया हूँ यहाँ पे, लास्ट में करते करते माइनस फोर प्लस फोर आएगा, माइनस फोर प्लस फोर इसको इधर भेजा आपने जीरो किधर, तो माइनस फोर हुआ। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट भी हो गया, पी स्क्वायर क्या है आपका वन आया, फोर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है बच्चों, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लोग डर जाते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए माइनस प्लस ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसको केयरफुली करिएगा आप, तो इजी आसानी से मतलब पा सकते हो आप फोर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर मार्क्स का है, समझने की कोशिश करिए ध्यान से। ओके गाइस, तो क्वेश्चन फिफ्थ है, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए माइनस टेन कमा फोर एंड बी माइनस टू कमा जीरो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सी माइनस नाइन कमा माइनस फोर एंड माइनस फोर कमा वाई, फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड सी डी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगेन अब मैं क्वेश्चन देखो जल्दी पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग नहीं आपका आया, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को आपको। क्वेश्चन में गिवन है द मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट क्या है पी, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो आपको बताया एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, तो एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माइनस टेन माइनस टू यानी माइनस ट्वेल्व अपान टू यानी माइनस सिक्स आया, और फोर का प्लस फोर प्लस जीरो फोर, फोर डिवाइड बाई टू कितना टू आया, कितना है माइनस सिक्स कामा टू आया कोऑर्डिनेट किसका पी के। अब पी बोल रहा है जो पी पॉइंट है सी डी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करें पूछ रहा है, और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें पी के कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल दिया हूँ जो बताया ऊपर ये आया। अब मैं थोड़ा डायग्राम रफली डायग्राम बता रहा हूँ, ये जेड डायग्राम नहीं है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझने की कोशिश करिए। ए बी एक लाइन है उसको पी इसका क्या है मिड पॉइंट है, और एक लाइन सी डी है उसको पी डिवाइड कर रहा है मान लिया के इज टू वन में, और डी कोऑर्डिनेट क्या है माइनस फोर का वाई एंड सी कोऑर्डिनेट क्या है माइनस नाइन कमा माइनस फोर। ओके गाइस, देन लेट वही चीज स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ लिखा हूँ मैं, लेट द पॉइंट पी डिवाइड सी डी इन द रेशियो के इज टू वन, देन पी की पॉइंट कितना है माइनस सिक्स कमा टू, तो पी के कोऑर्डिनेट कितना होगा इस केस में रेशियो के टर्म में आपको बताया क्या होगा के इज टू माइनस फोर प्लस वन इज टू माइनस नाइन। ओके गाइस, तो माइनस नाइन आया तो यहाँ के माइनस माइनस फोर के माइनस नाइन अपन के प्लस वन, सिमिलरली के वाई माइनस फोर अपन के प्लस वन। तो हम क्या करते हैं इसमें इस केस में जो एक्स के कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखा कंपेयर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स जब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो यहाँ की के की वैल्यू फाइंड कर लिया, के की वैल्यू कितना आया थ्री बाई टू, एंड जो वाई के कोऑर्डिनेट कंपेयर किया और के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पहले यहाँ सॉल्व किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ टू के प्लस टू एंड के वाई माइनस फोर, फिर दोनों इसको यहाँ लाया टू के यहाँ के कॉमन लिया टू माइनस वाई एंड टू को इधर भेजा तो माइनस फोर माइनस टू माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स हो गया आपका, तो यहाँ से के की वैल्यू पुट कर थ्री बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू ऊपर जाएगा एंड थ्री नीचे आएगा, तो थ्री टू जहाँ सिक्स हो गया यहाँ पे टू बचा, और यहाँ पे टू इंटू टू माइनस फोर ये माइनस टू था, अब इस टू को उधर भेजेंगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस फोर माइनस टू कितना माइनस सिक्स, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया आपका, तो वाई इक्वल टू कितना है सिक्स आया, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था रिक्वायर्ड रेशियो कितना विल बी थ्री बाई टू आ थ्री इज टू टू, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा सिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0.4 0.0 एंड 3.0। देखो आप इसका हम इजीली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के इसको थोड़ा सा अगर आप कॉर्नर एक्सिस ड्रा करो तो इजी से हम क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हैं। 0.4 मतलब
वाई जी एक्स जीरो है तो मतलब वाई पे, तो यहाँ पे 0.4 ड्रा कर दिया 4 यूनिट डिस्टेंस पे, और यहाँ पे 3.0 यानी एक्स पे 3 यूनिट डिस्टेंस हमने क्या पॉइंट रख दिया, बी रख दिया। अब पूछ रहा यानी ये लेंथ कितना हुआ, 4 हो या लेंथ कितना हुआ, 3 हुआ। अब ये पूछ रहा है तो अब इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो बच्चों ये बताओ ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर ये ए ओ बी है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी फाइंड कर लिया हमने, 4² + 3² कितना होगा 25, √25 का रूट क्या होगा 5 आएगा, तो मिल गया। अब पेरीमीटर ये 5 मिला हमारा। अब पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। मैं थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ, आप यहाँ लिख दीजिएगा पी इक्वल टू ए ओ प्लस ए बी प्लस ए ओ प्लस प्लस क्या ओ बी लिख दीजिएगा यहाँ पे, तो ऐसे कर लीजिएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक करते हैं, ये 2014 में आया था, 2014 पे एक 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर को नहीं इंगित किया है। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में, मेरे हिसाब से ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ था 2014 में। तो 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। द पॉइंट्स ए 4.7 बी पी 3 एंड सी 7.3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेस तीनों हैं राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट समथिंग, बी के समथिंग एंड सी के दिया कुछ। अब पूछ रहा है बी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो राइट एंगल ट्रायंगल केस आपको पता है, ये 3 मार्क्स से आता है, 3 मार्क्स का राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम होता है। मैंने इसको इक्वेशन में लिख दिया ए सी स्क्वायर, यहाँ रफली डायग्राम बनाया था समझाने के लिए आपको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन अब हम इसमें बारी बारी करके ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ए बी आपको आया कितना, पी माइनस 7 आप निकालिएगा, एंड सी ए, सी ए बोलो बी सी कितना है आपका, देखो सी बी सी, बी और सी पॉइंट मुझे, तो पी माइनस 7 बी और सी, बी और सी यानी पी माइनस 7 या 7 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 या 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितना है पी माइनस 7, 3 - 3 क्या 0 हो गया था पी माइनस 7। सिमिलरली ए सी आप कितना है 4 - 7 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना है √25 आएगा, √25 का स्क्वायर रूट कितना था 5 होता है। अब हमने तीनों इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करते हैं, कौन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट किया तो 5² = 4 - p² + 16 + p - 7 सॉल्व करो इसको, क्या आया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2p² - 22p + 56 तो 2p 2 इसमें कॉमन लिया तो क्या है p² - 11p + 28 = 0। अगर इसको फैक्टराइज करो तो यहाँ 7 - 4 = 28 से -7 + -4 क्या है 11 आ गया -11। यहाँ से इसको कॉमन लिया इसमें से p - 7 बचे, यहाँ p - 4 मिला आपको, पी की दो वैल्यू मिला 7.4 and 7.4। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया वर्टिसेस आ गया बी के दो वैल्यू होंगे, 4.3 भी हो सकता है 7.3 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए x, y, b - 5, 7 and c - 4, 5 आर कोलिनियर। देखिए बच्चों कोलिनियर केस में क्वेश्चन आना ना, 2 मार्क्स तो 100% आ जाता है अक्सर, कोलिनियर आ जाएगा या एक्स वाई कोई वैल्यू निकालने का जाएगा, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हूँ, या रिलेशन फाइंड करने का जाता है कभी कभी। तो बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए और इजी है क्वेश्चन, हार्ड थोड़ा भी नहीं है, बस आपको फार्मूला दिमाग होना चाहिए बस। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए x, y, b - 5, 7 and c - 4, 5 आर कोलिनियर। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर है तो एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करना है। तो अगेन कोलिनियर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मैंने वही यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉर्म में, द पॉइंट्स ए x, y एंड पॉइंट बी -5, 7 and c - 4, 5 बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। देन गाइस तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एक्स जो वेरिएबल है इंटू 7 - 5 एंड -5 5 -
फाइव माइनस वाई एंड माइनस फोर इंटू वाई माइनस सेवन। दो वेरिएबल हैं यहाँ पे एक्स और वाई, इनके रिलेशन फाइंड करना है। इसको जीरो के इक्वेट किया तो वन बाई टू जीरो हो जाएगा। जीरो होता नहीं है, वन बाई टू कोई जीरो हो सकता क्या, बट पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको हटा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो सेवन माइनस फाइव टू, टू इंटू एक्स। इसको माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस वाई कितना है आपका प्लस फाइव वाई। एंड इसको माइनस फोर इंटू वाई माइनस फोर वाई, माइनस फोर इंटू माइनस सेवन ट्वेंटी एट। इसको सॉल्व करो आप लोग, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट किया तो प्लस थ्री आया, और यहाँ टू एक्स एंड फोर वाई एंड फाइव वाई, फाइव वाई माइनस फोर वाई वाई बचा। ये आपका रिलेशन हो गया, यही रिक्वायर्ड रिलेशन है। कितना ईजी क्वेश्चन था, कितने मार्क्स क्वेश्चन आया था देखो, से दो मार्क्स क्वेश्चन था, इजीली फाइंड कर सकते हो, दो मार्क्स ले सकते हो आप लोग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस वन कमा माइनस वन माइनस फोर कमा टू के, टू के एंड माइनस के माइनस फाइव इज फोर ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों यहाँ एरिया आप दे दिया है ट्रायंगल, अब एरिया ट्रायंगल हम फार्मूला अप्लाई करके 24 के इसको इक्वेट कर देंगे और वहाँ से के फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ट्रायंगल क्या होता है, वन बाई टू एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू वाई टू। ये फार्मूला होता है, मैं फार्मूला जरूरी नहीं है बार बार लिखूँ आप एग्जाम में, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो एरिया ट्रायंगल था 24 था, तो टू से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते 22 इंटू 24 हो गया। इसको हम सॉल्व किया तो 2k के प्लस फाइव प्लस टू ट्वेंटी माइनस फोर प्लस के प्लस टू के स्क्वायर मिला आपका। देन एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, 2k के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पे क्या मिला देखिए आप, तो अब 27 इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 27 इंटू टू कितना होगा 54। अब 54 को हम फैक्टराइज करेंगे ताकि माइनस करें थ्री आए, नाइन सिक्स या 54 नाइन माइनस सिक्स कितना थ्री के आया। तो इसमें के कॉमन है, इसमें थ्री का माइनस थ्री कॉमन है, तो यहाँ टू के प्लस नाइन आया एंड के माइनस थ्री आया। तो यहाँ के की दो वाले मिला हमके, कौन सा के इक्वल टू माइनस थ्री एंड माइनस नाइन बाई टू। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, तो ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ मूव करते हैं। तो ये पूछ रहा है, मैं इसको लास्ट क्वेश्चन है मान लो आपका, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, दो चार क्वेश्चन और, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे फंस जाते हैं उसमें, तो मैं उसको कराऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर टेन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स थ्री कामा जीरो सिक्स कामा फोर एंड माइनस वन कामा थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो मार्क्स का है। अब बच्चों बताओ, पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कंडीशन क्या होता है, दो साइड सेम होना, और राइट ट्रायंगल ट्रायंगल क्या कंडीशन होता है, मतलब बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम होना चाहिए। सो कैलकुलेशन करते हैं, आगे देखते हैं। हमने पॉइंट को मान लिया ए थ्री कमा जीरो, बी सिक्स कमा फोर एंड सी माइनस वन कमा थ्री। तो यहाँ से हम तीनों डिस्टेंस फाइंड किए, ए बी फाइंड किया फाइव आया, बी सी फाइंड किया फाइव रूट टू आया एंड ए सी फाइंड किया फाइव आया। तो हमने ऊपर से एबव क्या मिला हमको, ए बी इक्वल टू क्या मिला, ए बी इक्वल टू क्या मिला ए सी। देखिए ना आप यहाँ पे ए बी आपको क्या है, ए बी, ए बी फाइव आया, ऐसे ही ए सी कितना आया फाइव आया, दोनों इक्वल है। यहाँ से इन निष्कर्ष निकला कि ए बी इक्वल टू क्या ए सी है, यानी फाइव। ये इससे मिल गया हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो बड़ा वाला साइड कितना है फाइव रूट टू, ओ हाँ फाइव रूट टू है, उनका स्क्वायर किया और दो जो छोटे साइड हैं फाइव फाइव उनको सॉल्व किया। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू फाइव रूट टू का स्क्वायर, क्या हमारा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस इक्वल टू सॉरी फिफ्टी। तो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी दोनों इक्वल आया, तो ये क्या होगा वर्टिसेस आप किसके होंगे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ लिख दिया इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपसे, और ज़रूर ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। बाय।